भाई साहब का जो ये ओवर कॉन्फिडेंस है हम लोग को बहुत पसंद आया, उनका यही अंदाज तो निराला है ना। तो खैर यहाँ के बोकारो के लोग ये सब कुछ देख रहे हैं, मेरा बोलना ज़्यादा उचित नहीं होगा। जो भी हमारी 5 साल का जो हमारा मेहनत है वो आपको क्षेत्र में दिखने के लिए मिलेगा, और ये 20 दिनों में आप देखेंगे कि किस प्रकार हम लोग सारे लोग मिल करके बोकारो के लोग चुनाव लड़ेंगे। ये पूरा बोकारो का परिवार जो है वो चुनाव लड़ रहा है, ये अकेली श्वेता नहीं लड़ रही है। झारखंड विधानसभा चुनाव के रण में बोकारो का दंगल रोचक हो गया है। बोकारो सीट पर बीजेपी ने बिरंची नारायण को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने फिर से श्वेता सिंह पर विश्वास जताया है। कांग्रेस का टिकट मिलने के बाद नामांकन के आखिरी दिन श्वेता सिंह ने नामांकन का पर्चा भरा। इस मौके पर कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर भी मौजूद रहे। बोकारो और धनबाद सीट पर प्रत्याशी की घोषणा में देरी से सवाल पर राजेश ठाकुर ने कहा कि देर आए लेकिन दुरुस्त आए। वहीं बोकारो सीट पर खुद की दावेदारी के सवाल पर राजेश ठाकुर ने कहा, मैंने दावेदारी नहीं जताई थी, लेकिन जब भी कोई राजनीति में होता है तो उसकी चुनाव लड़ने की इच्छा होती है। उन्होंने कहा कि जब भी मौका मिलेगा वे जरूर चुनाव लड़ेंगे। चुनाव आयोग ने समय सीमा रखी है, उस अगर समय सीमा के अंदर नामांकन हो रहा है तो उसको देर नहीं कहा जाएगा। और निश्चित रूप से बोकारो धनबाद दोनों जगहों पे बहुत सारे लोगों ने अपनी उम्मीदवारी जताई थी, तो चयन प्रक्रिया में निश्चित रूप से सभी कार्यकर्ताओं के बारे में विचार किया गया, सभी नेताओं के बारे में विचार किया गया, और उसके उपरांत ये तय हुआ कि हमारी उम्मीदवार बोकारो में श्वेता सिंह होंगी और धनबाद में अजय दुबे होंगे। तो हम समझते हैं इसमें कहीं कोई देरी की बात नहीं है, और देर आए अगर आपके शब्दों में कहा जाए तो दुरुस्त आए। राजनीति में है तो मैं उम्मीदवार था कि नहीं था, आप सभी के लिए उम्मीदवार जरूर था मैं ये जानता हूं, क्योंकि मैंने अभी तक कोई आवेदन नहीं दिया था, बावजूद तमाम आप साथियों ने मेरा नाम चलाया, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं कि लगातार हमको उस रेस में बना के रखा। और निश्चित रूप से जब आदमी राजनीति करता है तो उसकी एक मंशा होती है, और जब भी मौका मिलेगा तो जरूर चुनाव लड़ा जाएगा। देखिए जनता जनार्दन होती है, और मैं भारतीय जनता पार्टी का नेता और कार्यकर्ता नहीं हूं कि 65 पार और 75 पार बोल करके अपना दिल बहला लूं। हम ये जानते हैं कि हमने काम किया, हमारी सरकार ने काम किया है, तमाम माताओं बहनों बुजुर्गों और सरकारी कर्मचारियों को सम्मान देने का काम किया है, तो निश्चित रूप से जनता भी हमें सम्मान देने का काम करेगी। 2019 के चुनाव में भी कांग्रेस ने श्वेता सिंह को बोकारो सीट से मैदान में उतारा था, लेकिन श्वेता सिंह को हार का सामना करना पड़ा था। 2019 के चुनाव में बीजेपी के बिरंची नारायण को 1,12,000 से ज्यादा वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस की श्वेता सिंह को 99,000 के करीब वोट मिले थे। श्वेता सिंह ने कहा है कि पिछली बार वो राजनीति में नहीं थी, लेकिन अब की बार उनके पास तजुर्बा भी है और पिछले 5 सालों से क्षेत्र में काम भी किया है। पिछली बार मेरा पहला तजुर्बा था, निश्चित ही कुछ कमियां थी मुझ में और मैं पूरा नहीं कर पाई, लेकिन 5 साल का जो कार्यकाल मेरा रहा है एक विपक्ष के तौर पे और एक जनसेवक के तौर पे लोगों के बीच में रही हूँ, बहुत कुछ सीखा है, और इस बार पूरे तजुर्बे के साथ बोकारो की ये बेटी लड़ाई करने के लिए मैदान में तैयार है। भाई साहब का जो ये ओवर कॉन्फिडेंस है हम लोग को बहुत पसंद आया, उनका यही अंदाज तो निराला है ना। तो खैर यहाँ के बोकारो के लोग ये सब कुछ देख रहे हैं, मेरा बोलना ज़्यादा उचित नहीं होगा, बोकारो के लोग देख रहे हैं, और ये हम लोग अब चुनाव में उनको बताएंगे कि हमारे बोकारो में बहुत सारी समस्याएं हैं। पूरा विधानसभा है 588 बूथ का है और लाखों वोटर्स हैं, हर पार्ट जो है पूरा पंचायत अलग है, सेक्टर अलग है, चास निगम अलग है, विस्थापित अलग है, आपको जो अतिक्रमण क्षेत्र है मराफरी वो अलग है, सारी समस्याएं अलग अलग हैं। इन सारी समस्याओं को हमने जिया है इतने सालों से, तो वो हमारे इस बेटी के अंदर सीने में है, और उसको हम लोग जीतने के बाद पूरा मुकम्मल प्रयास हम लोग करेंगे कि हम सारी समस्याओं से बोकारो को निजात दिला पाएं। और जो बोकारो हमारा बौद्धिक नगरी है कहा जाता था, अब नहीं, अभी धूमिल हो रहा है वो छवि हमारे बोकारो का, तो निश्चित ही हम लोग सब मिल करके बोकारो का जो वो बौद्धिक नगरी का जो छवि था उसको वापस हम लोग लेकर के आएंगे होगा। और इस बार कांग्रेस पार्टी की झोली में ये पूरा बोकारो जो है ये विश्वास उनको देने का हम लोग काम करेंगे जीत करके।
बोकारो में एक बार फिर बिरंजी नारायण और श्वेता सिंह आमने सामने हैं। ऐसे में अब की बार किससे जनता का आशीर्वाद मिलेगा, इसका पता 23 नवंबर को चलेगा। बोकारो सीट पर 20 नवंबर को मतदान है, जबकि 23 नवंबर को वोटों की गिनती होगी। मेहनत कीजिए, मेहनत है बहुत।